तो फिर ये फैमिली एक आखिरी बार स्टोन एज में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये है फार क्राई प्राइमल का एपिसोड नंबर 12 और ये इसका आखिरी एपिसोड है। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ तक की जर्नी इतनी ऑसम थी ना कि ये 11 एपिसोड कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो इन केस मेरे भाई आपने ये 11 एपिसोड मिस कर दिए तो सभी एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये फाइनल एपिसोड से पहले जो भी मिस किया उसको देख लेना और उसके बाद ये वाला कंटिन्यू करना। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो उत्तम वॉरियर्स की लीडर उल को फाइनली लास्ट एपिसोड में टकार ने मार दिया, लेकिन अभी इजीला वॉरियर्स की लीडर यानी कि बटारी अभी भी जिंदा, और जब तक वो जिंदा रहेगी ये इजीला वॉरियर्स वेंजर के लोगों के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे। तो इस खतरे को आज टकार जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि आज हम लोग बटारी को मारने जाएंगे। पर जैसे उल का एक खास आदमी था डार्ज, जिसने उल के सारे राज बताए, वैसे ही अगर बटारी तक पहुंचना है तो उसका एक खास आदमी है जिसका नाम है रोशानी, उस तक पहुंचना होगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, आज का गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है तो जितना ज्यादा जबरदस्त बना सके भाई लास्ट एपिसोड को जबरदस्त बनाते हैं। पर आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ना फील आर्मी में आप लोगों को जितना थैंक यू बोल सकूं ना सच में कम है, क्योंकि 2 जनवरी से ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ना इसको आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के मतलब मैं क्या ही बोलूं। तो इससे पहले मैं इमोशनल हो जाऊं, आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और फेल आर्मी बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो मैंने क्या बोला था कि आज का एपिसोड हम लोग जबरदस्त बनाएंगे, इसलिए आज मैं और किसी बीस्ट के ऊपर नहीं बल्कि मैमथ के ऊपर बैठ के जाऊंगा भाई। अच्छा ये मेरा बीस्ट नहीं है, मुझे मिल गया रास्ते में इसलिए मैं बैठ सकता हूँ इसके ऊपर, पर मेरे बुलाने पे ये आने वाला नहीं है, तो ध्यान रखना ये चीज। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर बटारी को मारना है तो उसके एक खास आदमी जिसका नाम रोशानी है, लड़की टाइप का नाम है लेकिन है आदमी है रोशानी। तो ये जो रोशानी है ना इसका किला देख लो ठीक सामने ही है, तो इस पे हमला करके रोशानी को किडनैप करना है। और जैसे हमने डा से उल के सारे राज उगलवाए थे ना, इससे भी बटारी के सारे राज उगलवाने हैं ताकि उसको मारने में आसानी हो। तो सबसे पहले कोशिश ये करना है ना कि जितना साइलेंटली हो सके अंदर जाए और जितने सारे लोगों को साइलेंटली मार सके भाई ज्यादा अच्छा रहेगा। पर जब किस्मत साथ नहीं ना दे तो ऐसा ही होता है, दूसरे वाले पे अटैच करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ठीक लास्ट एपिसोड की तरह स्टेल्थ वाले मिशन की बत्ती लग चुकी है, डायरेक्टली मुझे घुसना होगा अंदर। और जब हम लोग डायरेक्टली अंदर घुस ही गए तो एक काम करते हैं ना, फैंगो को बुला लेते हैं। तो किस्मत ने मुझे स्टेल्थ मोड से तो ये मिशन करने नहीं दिया, तो अंधाधुन मारना किसको बोलते हैं ये देखना है। चलिए एक काम करिए, देख लीजिए आप लोग। अच्छा ये उद्धव वॉरियर्स के लोगों को मारना आसान था, लेकिन ये रोशानी का किला थोड़ा टफ है, इस मिशन में लिखा हुआ भी था वेरी हार्ड। तो इन सबको मारना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। इस बेचारे को बहुत ही गलत जगह तीर पड़ी है भाई, मौत के बाद भी इसको शांति नहीं मिलेगी। ये रोशानी का नाम अभी तक लिखाया नहीं, मैं उसका वेट कर रहा हूँ क्योंकि इस किले का बॉस फाइट उसी के साथ होगा। अच्छा ये इजीला के लोग उद्धव वॉरियर्स की तरह नल्ले नहीं है, देखा मार के फैंगू को डाउन कर दिया है। कोई नहीं फैंगू तू रेस्ट कर, मैं तेरे को जिंदा कर लूंगा, टेंशन मत ले। अच्छा रोशानी मिल गया जो इस किले का मेन बॉस है। इसको बताता हूँ मैं, मधुमक्खी का छत्ता एक इसके ऊपर फेंकता हूँ, जब मधुमक्खियां इसको काटती रहेंगी इसकी वाट लगा दूंगा। ये पता है इन इजीला वॉरियर्स का यहाँ का बॉस था, इसकी मैंने ऐसी वाट लगाई ना इस मधुमक्खी के छत्ते की वजह से। अच्छा क्योंकि फैंगू घायल है ना, एक काम करते कि स्कॉर्पियर को बुला लेते हैं, वो भी अच्छी टक्कर देगा। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितने इजीला वॉरियर्स बच गए उनको मारूंगा भाई, ये मिशन खत्म है। अरे माँ कसम मेरे स्कॉर्पियर को भी डाउन कर दिया, अरे ये है तगड़ी बाजी। कोई नहीं एक बार सोच के देखो, ये इजीला वॉरियर्स के आम लोग इतने खतरनाक हैं तो बटारी जो इनकी बॉस है कितनी खतरनाक होगी। तो मेरे स्कार भालू टेंशन मत ले, तेरे को भी मैं जिंदा कर लूंगा, पहले देख लेता हूँ कोई ना कोई तो जिंदा है। अच्छा कोई नहीं चार आदमी और, पांच आदमी, अरे कितने आए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। Oh!
भाई ये जितने लोगों को मारा था ऐसा क्यों लग रहा है कि सब जिंदा होके वापस आ गए? भाई मैं 50 तीर लेके आया था, सारे तीर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, लेकिन इजीला वॉरियर्स खत्म नहीं हो रहे। क्या लोगे तुम लोग खत्म होने का? तो ये फाइट करने के बाद ना मुझे एक बात का तो पक्का यकीन हो गया है कि उल ने जितना टाइम लगाया था ना मरने में, उससे डबल टाइम लगाने वाली है बटारी। ये मतलब चल क्या रहा है, दो को मार रहा हूं, तीन और आ जा रहे, अब बोल दो कि ये दोनों फाइनल है प्लीज। इसको बोलते गरीबी में आटा गीला, एक ही भाला तो वो भी मिस कर दिया, बताओ। तो मैप पे तो एक ही जीला वॉरियर दिख रही है, अब इसके बाद कितनी आएगी पता नहीं। ये देख रहे हो ना, मतलब इसको भी मार दिया, अभी भी मिशन खत्म नहीं, कोई स्लिंग चला रहा है, आवाज आया हाँ हाँ कोई और भी जिंदा है। अरे ये लोग जिंदा ही हुए जा रहे हैं, मैं मारे जा रहा हूँ, ये लोग जिंदा हुए जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है? एक छोटे से किले में इतने सारे आदमियों को कोई रखता है, लेकिन चलो फाइनली ये मिशन खत्म हुआ और रोशनी को पकड़ लिया है। तो चलो देखते हैं कि ये रोशनी बटारी के क्या राज बताता है। अच्छा टकार का कोई प्लान नहीं था इस रोशनी को जिंदा पकड़ने का, लेकिन ये इतना डरपोक है ना भाई, खुद ही से तैयार हो गया कि नहीं नहीं मुझे छूना मत, मैं सारे राज बताने के लिए तैयार हूँ। इसके बारे में बात करते हैं अभी, टेंशन मत लो। तो मुझे ये रोशनी ना डा से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इसके कैरेक्टर में ना थोड़ा सा डेप्थ है। तो टकार ने इसके किले पर हमला करने के बाद इसके सारे आदमियों को मार दिया और इसको भी मारने जा रहा था, पर इस रोशनी को वेंजा की जुबान आती थी, इसलिए इसने वेंजा की भाषा में बोला कि नहीं 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 मुझे छूना मत। तो टकार ने बोला कि तुम्हें वेंजा की भाषा आती है? तो उसने बोला कि हाँ मुझे आती है और मैं तुम्हें ना इजीला वॉरियर्स के तरीके सिखा सकता हूँ। तो टकार ने बोला कि ऐसा है ना, इजीला वॉरियर्स ने बहुत सारे वेंजा के लोगों को जिंदा जलाया और आज मैं तुझे मार के ना उन सारे मरे हुए वेंजा के लोगों का बदला लूंगा। तो इसने बोला कि नहीं नहीं देखो मेरे पास एक फायर बॉम्ब है जो हम सारे इजीला वॉरियर्स यूज करते हैं, और अगर तुम मुझे जिंदा रखते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसको बनाते कैसे। तो टकार ने इसकी जान बख्श दी और बोला कि चल तू मेरे साथ वेंजा के गांव और वेंजा के लोगों को सिखा कि ये फायर बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। तो ये चौके बोला कि मैं वेंजा के लोगों तक जाऊंगा, उन्हें मेरे तक आना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें बॉम्ब बनाना सिखा रहा हूं। तो टकार ने बोला कि ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप से गांव चल। और जैसा आप देख ही रहे हो इसको लाकर केज के अंदर टकार ने बंद कर दिया और इसने सिखा दिया मुझे कि फायर बॉम्ब कैसे बनाना है, तो मैंने वो बना भी लिया है। और ये टकार से पूछा था कि ऐसी जेल में कौन सा जानवर रहेगा, तो टकार ने बोला कि इजीला का जो कीड़ा है ना वो ऐसी जेल में रहना डिजर्व करता है। तो चलो इससे बात करते हैं, देखते हैं और क्या राज बताता है। तिवाल खौही नी सुफु माइगा आई शिम लाउस्ता मुथी सखु शुएंजा वाल खौही बे ताहाय सालवाया उमाना नी गाउचा Sashman, Tashyata,
nu palhu enjai hatra da hata. Su gaujata, ma u twarshi suman. Umana! अच्छा पता है मुझे अपना बटारी के लिए बुरा लग रहा है, ऐसे दोगले आदमी को अपना राइट हैंड मैन रखा था जो कि फटाफट सारे राज बताते जा रहा है। तो जब टगार इसके पास गया तो ये बोलने लगे कि तुम्हारे जो टेंसे बाबा है ना, उन्होंने आकर मेरे ऊपर सुसु कर दिया था और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए मुझे बाहर निकाल दो केज से, मैं केज में रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। तो टगार ने बोला कि तुम अंदर ही रहो, अंदर रहोगे ना तो टेंसे बाबा से तुम सेफ रहोगे, ठीक है। तो रोशानी बोलने लगे कि एक मिनट, मेरे पास ना एक और राज की बात है, मैं जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ तो फिर तुम मुझे आजाद कर देना। तो इसने बताया कि इसीला के लोगों के पास बीज है जिसे वो अपने खाने के लिए फसलें उगाते हैं, और धीरे धीरे टकार को बता रहा था जैसे पता नहीं कौन सुन ले रहा है, लेकिन उसने बोला कि देखो इसीला के जो हंटर्स है ना वो आपस में रेस लगाते हैं कि पहले बीज तक कौन पहुंच सकता है, और जो पहुंच गया वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो तुम एक काम करो कि इन हंटर्स से पहले उन बीज तक तुम पहुंच के उनको चुरा लो और फिर वंजा के लोगों के लिए खाना होगा। और देखो मैंने तुम्हें कितना अच्छा राज बताया, अब मुझे आजाद कर दो। तो टकार ने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा राज बताया है लेकिन मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता हूँ। और वो बोलते रहेंगे कि प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन टकार ने एक नहीं सुनी, ये तो अच्छा ही किया। इस आदमी पे पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है अभी भी। नहीं, डा ने भी सारे राज बताए थे लेकिन उसकी जान बचाई थी टकार ने, इसके लिए तो मतलब ये तो खुद ही से पके जा रहा है सारे राज, जबकि टकार ने पूछा भी नहीं है। तो टकार का ऑब्जेक्टिव अभी सिंपल है जिसमें मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मेहनत लगी, बस मुझे हंटर्स से पहले पहुंच के वो बीज उठा लेना है। अच्छा ये रोशानी भी स्पेशलिस्ट बन गया, यानी कि टोटल इस गेम में ना 5 स्पेशलिस्ट है, 3 तो मैं ढूंढ के लाया था, एक दाता और एक ये रोशानी है। और भले ही अभी टकार ने इसको जेल में रखा हुआ है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको भी घर बना के देना ही होगा। तो मिशन तक तो हम लोग पहुंच ही गए लेकिन मैं लकड़ियां जमा कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तीर तक नहीं है, और यहाँ पर अगर हंटर्स आए तो उनको मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भले मेरे पास 9-10 ही तीर है, मुझे लगता है कि इतने काफी हैं। मिशन स्टार्ट कर देगा, बाकी रास्ते में उठा लेंगे। सुशलान शांति साशमान वैददाउसम। तो ये सारे हंटर्स के बीच में ना रेस लगी हुई है कि इन बीजों को पहले कौन ढूंढेगा। तो ये सब कहते हैं रेस में मुझे फर्स्ट आना है और सारे बीज मुझे पहले चोरी करने हैं। तो इस मिशन पे ट्राई ये करना है कि इन इजीला वॉरियर्स पे ध्यान मुझे कम देना और बीज उठा के भागना है। बीज मिल गया, लेके भागो भाई यहाँ से, तेल लेने गए ये लोग, और भी बहुत सारे बीज हैं। यहाँ पर गैंग्स ऑफ वसीपुर का मीम लग सकता है, हम फर्स्ट, क्योंकि आज टकार को फर्स्ट होना है। ये जो सारे इजीला हंटर्स रेस लगा रहे हैं, इन सबको रेस में हरा के ये जो 3 जगह सीट्स है जिसमें से एक बैग चोरी कर लिया है, 2 और बचे हैं। बहुत बढ़िया भाई, दूसरा वाला भी मिल गया और यहाँ पर मेरे से पहले कोई पहुंचा नहीं, बस अब तीसरा वाला भी उठा लू ना। तो कोई जिला का हंटर चिल्ला रहा है लेकिन भाई तेल लेने की अपने को क्या, अपने को तीसरे बैग तक पहुंचना है। तो ये रोशानी का मिशन कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं था, मतलब हाँ ठीक है स्पेशलिस्ट के मिशन उतने बड़े बड़े भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा मिशन था, स्टार्ट होते एक साथ खत्म हो गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ तो शायद गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर। बस ये जो गंदा काम कर देते हैं ना, पानी के अंदर एक मगरमच्छ उस साइड नहीं जाना है। और तीसरा वाला बैग एक हंटर ने उठा लिया, अरे भाई मेरे से पहले कैसे पहुंच गया ये। तो सीट्स की तीनों बैग उठा लिए, बस यहाँ से कल्टी होंगे, मिशन खत्म है, कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया और कुछ झोल भी नहीं हुआ। हाँ खत्म है। तो चलिए देखते हैं कि रोशानी और क्या क्या राज बताता है, क्योंकि जैसे ही इसके मिशंस कंप्लीट होंगे भाई अपन जाएंगे बटारी को मारने। अच्छा ये आज कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ मैं मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ या मिशन ही छोटे छोटे आ रहे हैं। एक मिनट, ये डा का भी मिशन आया हुआ है, देख रहे हो मैप में। तो उल को मारने के बाद एक बार भी डा से बात नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि डा से भी बात कर ही लेंगे, लेकिन पहले इस रोशानी के पास चलते हैं। खुद ही से सारे राज बता रहा है मेरा भाई, तो चलो देखते हैं कि इस बार क्या राज बताता है। We
Benja? Pashta. Benja saquim. Muti sakush. Kum no sakuita. Tamwenjai damshi. ये रोशानी बस रोते ही रहता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखो वेंजा, मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम समझो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। और जैसा मुझे लग ही रहा था कि ये अपने लिए झोपड़ी बनाने बोलेगा, और बोल दिया इसने, और जब तक मैं इसके लिए घर बना के नहीं देता हूँ ये मुझे मिशन नहीं देगा। तो ठीक है, ले भाई घर ले ले मनुज। भाई वो तो अच्छा है कि ये राज बता रहा है, वरना इसी घर के नीचे इसको गाड़ देता मैं। ये रोशानी मुझे पर्सनली इसलिए पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि जब मौत को देखकर इसने अपने इजिला वॉरियर्स को छोड़ के वेंजा को ज्वाइन कर लिया, तो इसलिए इस बात की क्या गारंटी कि दोबारा जब मौत को देखेगा तो वेंजा के लोगों को भी धोखा दे ही देगा। इजिला वेंजा शनार ही ना चा मुपाचार कोई वेंजा शनार मची गुआ मार्श हम गुआ नार्श शूटा मुताशला दम शदार्श कोई वेंजा शनार प्रोबर्टे साहिना चार्ज प्रोबर्टे सुशरहाइन विंजा ग्वानार्ज उसी ही क्वादे स्वादा सुखली ही सश्वा मशहाज रासू विंजा हासर सुखली स्माया दा उहाय ताकार आइश विंजा सालवाता Sushalain ha nama. Aish musa palhu izila warishta dachai. तो नेक्स्ट मिशन भी अपने को मिल ही गया, एक वेंजा के आदमी को बचाना है। तो टकार जब इस रोशानी के नए नए घर में गया तो ये काफी घबराया था और इसने टकार को बताया कि वेंजा के एक आदमी को ना इजिला वॉरियर्स पकड़ के ले गए और उन्होंने मुझे उसके साथ भी देख लिया। और ये घबराते हुए बोलने लगा टकार को कि अब वो इजिला वॉरियर्स ना पक्का मुझे मारने आएंगे, या फिर उससे भी बुरा वो जो लंबे लंबे स्टैंडिंग स्टोन्स नहीं है वो मुझसे अकेले बोलेंगे कि इसको बनाओ तुम खड़े होकर। तो टकार इससे पूछने लगे कि किस आदमी को पकड़ के ले गए और क्यों पकड़ के ले गए। तो उसी टाइम टेंसे भी गुस्सा में और उन्होंने बोला कि टकार को तुम बताओ कि वेंजा के वो आदमी को क्यों पकड़ के ले गए। और तब रोशानी ने बताया कि इजिला वॉरियर्स वेंजा के लोगों की बलि देते हैं ताकि सूरज उन पे खुश हो जाए और सूरज खुश होकर उनके खेत पर हमेशा चमकते रहे ताकि उनकी फसलें अच्छे से उगे। तो टेंसन ने टकार को काम पे लगाया कि टकार तुम जाओ वेंजा के उस आदमी को बचाओ जिसको ये पकड़ के ले गए बलि देने के लिए। और डंडे से रोशानी को मारने लगे और बोले कि मैं इसके साथ रहता हूं, ये हो सकता है कि मुझे कुछ नए नए इजिला वर्ड्स भी सिखा दे। तो मैं लिख के दे देता हूं कि टेंसन उसके ऊपर दोबारा सुसु करेंगे और अभी हम लोग सो जाते हैं और दिन के टाइम में ही ये वाला मिशन करते हैं। अच्छा ये रोशानी का दूसरा मिशन है तो मुझे लगता है एक और मिशन या फिर हो सकता है कि ये फाइनली मिशन हो और उसके बाद तो फिर जान ही रहे हो आप लोग पटारी को मारने जाएंगे और गेम फाइनली हम लोग खत्म करेंगे। तो चलो फिर वेंजा का जो आदमी किडनैप हुआ है उसको बचाने जाएंगे, लेकिन पहले जो इनाम है यानी कि लकड़ी वकड़ी अगर मिल रही तो उठा ही लेते हैं क्योंकि ये वाली फाइट से हम लोग भाग नहीं पाएंगे। इजिला वॉरियर्स को मार के ही उस वेंजा के आदमी को बचाना होगा। अच्छा पता है ये रोशानी से फाइट करने के चक्कर में ना मेरे सारे रिसोर्स खत्म हो गए और ज्यादा दिक्कत नहीं है, रिसोर्स में ले सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है कि जब बटारी को मारने जाएंगे ना तब मैं वीडियो में हटा दूंगा और मैं आराम से बैठ के आधा एक घंटा सारे रिसोर्स ले लूंगा और उसके बाद ही जाएंगे बटारी से फाइट करने, क्योंकि अगर बिना रिसोर्स के गए याद है ना उल को कितने सारे रिसोर्स लगे थे मारने के लिए। लेकिन देखते हो ना यूबीसॉफ्ट का भी कमाल है, पूरी गेम में बॉस फाइट नहीं, ये सब तो छोटे मोटे बॉसेस उसको नहीं बोला जाएगा, इस गेम में सिर्फ दो बॉस फाइट है, एक उल के साथ होगी और वो बॉस फाइट आपने देखा ना भाई हथियार कम पड़ गए लेकिन वो आदमी जब तक मरा नहीं तब तक अपने पैर से गिरा नहीं। और जैसा मैं बोलते आ रहा हूँ कि भाई इजिला वॉरियर्स उत्तम वॉरियर्स से टफ है, यानी कि ये उल से ज्यादा टफ होगी बटारी, ये मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तो आज हम लोग देख ही लेंगे। अच्छा जो रास्ते में लकड़ियां पड़ रही उनको उठाते हुए जा रहा हूँ क्योंकि हर जगह तो फाइट करना ही है भाई, सामान तो चाहिए ही थोड़े बहुत, लेकिन रुक के मैं उतना ज्यादा रिसोर्स चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। आज मैं सच बताऊं अच्छी फीलिंग भी आ रही है और थोड़ी सी बुरी फीलिंग भी आ रही है क्योंकि इस गेम को अब मैं दोबारा तो नहीं खेलने वाला, हो गया बस आज। और ये बात आप लोग जानते हो ना कि जब नया गेम स्टार्ट हो गया तो मैं उसमें पूरा खो जाता हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको मैं दोबारा खेलने वाला हूँ कभी।
अच्छा ये लाल पत्ते ना भर भर के जमा करके रखते हैं, क्योंकि जब पटारी से फाइट होगी तो जैसे उल मेरे बीस को दो दो सेकंड में मार देना था वो भी मार देगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि बार बार बीस को जिंदा करते रहेंगे। मतलब जब तक लाल फूल है तब तक तो जिंदा कर ही सकते हैं। इस मिशन का नाम है ब्लड सैक्रिफाइस। तो पहुंच गया है कौन सा वेंजा है और यहाँ पर कोई जिला वॉरियर मुझे नजर नहीं आ रहा है। ओके अच्छा दिख गया दिख गया। तो इनमें से जो बलि देने आने वाली इस वेंजा की उसको पहले मारना है, इससे पहले वो इस तक पहुंच जाए। तो इसको आजाद करने का ऑप्शन नहीं दिया है। जो मारने आ रही थी वेंजा को उसको तो मैंने मार दिया, ये खत्म क्यों नहीं हुआ ऑब्जेक्टिव अभी भी। ये अभी भी वही लिखा हुआ भाई कि इससे पहले वेंजा को आके मार। अच्छा अच्छा कोई और भी है जो इस वेंजा को मारेगी, तो इससे पहले वो इस तक पहुंचे उसको मार देते हैं। तो इसको भी मार दिया, अब क्या करना है। जो बच्चे कुछ इजीला है उनको भी, हाँ मुझे लग ही रहा था, तो जो बच्चे कुछ इजीला के लोग उनको भी मार देना है। तो अब उस वेंजा को आजाद करने का ऑप्शन आ गया, इसको आजाद करते हैं, ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं। तो ये वेंजा एक तरह से थैंक यू बोल रहा था और बोल रहा था कि टकार तुमने बहुत सारे वेंजा के लोगों को बचाया है। ये रोशादी का मिशन स्टार्ट होते के साथ खत्म हो जाता है, ज्यादा टाइम बल्कि मुझे लगा वहां से यहाँ तक आने में। मिशन तो एक मिनट का भी नहीं था, या एक दो मिनट का होगा ज्यादा ज्यादा। नहीं नहीं चलो अच्छा ही है, रोशानी का मिशन कौन ही करना चाह रहा है भाई ज्यादा ज्यादा। अपन को तो बटारी को मार के गेम खत्म करना है। तो गांव वापस चलते हैं और देखते हैं कि अगर वो कोई और मिशन दे रहा है, कोई और राज बता रहा है, तो वो भी ये दो मिशन ही की तरह छोटे होंगे तो उसको भी खत्म करेंगे। और तीन से ज्यादा तो अभी तक किसी ने मिशन नहीं दिया है, तो इनकेस अगर एक और मिशन ये देता है तो उसको भी करके खत्म करते हैं और उसके बाद जाएंगे बटारी को मारने। अच्छा यहाँ लाल वाले फूल और नहीं है ना, नहीं मिनी मैप पे दिख जाते हैं, लाल वाले फूल और नहीं है। चलो ठीक है फास्ट ट्रेवल किया जाए, यहाँ से निकलते हैं। तो कैंप पहुंच के ज्यादा कुछ नहीं करना है, रिसोर्सेज उठाएंगे और उसके बाद चलते हैं रोशानी जी से बात करते हैं, देखते हैं इस बार क्या राज उगलता है। विंजा। अच्छा हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रोशानी की मैं बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा हूँ, जबकि वो मेरे काम ही आ रहा है। तो ये सही बात है कि ये मेरे काम आ रहा है, मुझे इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि मुझे ना इसकी नीयत साफ नहीं लग रही है। जब अपने लोगों को इतनी जल्दी धोखा दे सकता है जैसा मैंने पहले भी बोला, तो ऐसे आदमी पे मैं भरोसा नहीं करता भाई। इस गेम में ऐसे ऐसे अजीब अजीब कैरेक्टर देखे, लेकिन अभी तक एक भी डरपोक आदमी से नहीं मिले थे, ठीक है। लेकिन रोशानी ने इस कमी को पूरी कर दी है, क्योंकि अभी भी डर रहा है, बोल रहा है कि इजीला वॉरियर्स ना मुझे आके कभी भी मार सकते हैं, और अगर वो यहाँ आए तो मेरे साथ साथ वेंजा के लोगों को भी मार देंगे। तो तुम एक काम करो टकार, उनको जाके ना डरा दो, और ये करने के लिए उनका कोई कैंप है उसमें जाके आग लगा दो, तो वो लोग तुमसे डरेंगे और कभी वेंजा के कैंप में नहीं आएंगे। और उसने बोला कि ठीक है आग तो लगाना टकार, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि इजीला के कैंप्स में ना वो लोग वेंजा के लोगों को पकड़ के रखते हैं। अच्छा ये फैंगो से मैं बहुत मेहनत करवा रहा हूँ, एक काम करता हूँ ना सेबू को बुला लेता हूँ। जिस तरह से रोशानी के अभी तक के मिशन है, मुझे लगता है कि ये भी आसानी होगा, बस इजीला वॉरियर्स के कैंप को जलाना है। तो अभी तक तो किसी स्पेशलिस्ट ने चार मिशन नहीं दिया है, तो रोशानी का भी आई थिंक ये लास्ट मिशन होगा, होना तो चाहिए, क्योंकि बटारी को तो आज हम लोग किसी भी हाल में मार रहे हैं। मैंने बोला था, वादा किया था कि आज का एपिसोड भाई कितना लंबा हो, डेढ़ घंटा दो घंटा तीन घंटा फर्क नहीं पड़ता, आज इसको खत्म करेंगे।
अच्छा पता है, इस गेम में मैंने बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल अनलॉक नहीं किया है, लेकिन जितना किया उसकी वजह से जर्नी कितनी कम हो गई है। तो आप याद करिए फर्स्ट 3 या 4 एपिसोड कितना टाइम लगता था भाई एक मिशन से दूसरे मिशन में जाने में। बस सिर्फ इस फास्ट ट्रैवल की वजह से ना बहुत काम हल्का हो गया है। चलो पहुंच ही गए, बस लाल फूल और लकड़ियां, बस यही दोनों चीज तो आज चाहिए मुझे भर भर के। तो ऐसे हम लोग सेम मिशन कर चुके हैं आई थिंक उद्धम वॉरियर्स के साथ, उनके कैंप में आग लगाया था और अब यही सेम काम करना है इजिला वॉरियर्स के कैंप पर। देखते हैं भाई ये फायर बॉम्ब कितना काम का। अच्छा मीटर बन गया ना, ये मीटर फुल हो गया यानी मेरा काम हो जाएगा। तो ना सिर्फ इनका कैंप जलाना है बल्कि इनके खेत में भी आग लगानी है। अच्छा वही मैं सोच रहा था कि ये इजिला वॉरियर्स कहाँ चले गए। तो इन इजिला वॉरियर्स की मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेबू है ना, सेबू संभाल लेगा, मुझे बस इनके खेत और इनका कैंप जलाना है जल्दी से जल्दी। तुम लोग भाई हथियार चलाते रहो, मेरे पीछे पीछे भागते रहो, कोई फायदा नहीं है। मैं खेत में आग लगाऊंगा, कैंप जलाऊंगा, निकलूंगा यहां से। बस ये मीटर फुल होने ही वाला है, मीटर फुल हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म है, इनको मारू नहीं मारू फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये देखना पड़ेगा ना कि जलाने के लिए बचा क्या है। सब कुछ तो जला ही दिया भाई, और कुछ बचा हुआ दिख रहा है क्या? ये जो घास फूस है इसको तो नहीं जलाना है, मुझे लग रहा था कि वो पीले वाले खेत को जलाना है, लेकिन ठीक है जो दिख रहा है सामने सबको जला दो भाई। मीटर फुल करने से मतलब है अपने को। अच्छा सेबू को डाउन कर दिया बड़ा जल्दी भाई, स्कार भालू को बुला लेते हैं। इनके कैंप में पूरा आग लगा दिया भाई, आग को बुझाने की सोचो ना, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जाओ ना आग बुझाओ, आग बुझाओ, मुझे देखने दो क्या बचा है इनके कैंप में। कोई घर भी नजर नहीं आ रहा है, इनको मारने से मीटर फुल होगा क्या? कुछ जलाने ही से मीटर फुल होगा भाई। भाई मैंने ऑलमोस्ट मीटर फुल कर दिया है, इनके घास फूस में भी आग लगा देता हूँ, कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ पर। स्कार भालू को मार के गिरा दिया भाई साहब, ऐसा कौन आदमी है यहाँ पर? अच्छा इनके घर जल गए लेकिन उसको और जला के तोड़ के गिरा सकते हैं। अच्छा तूने मार के गिराया है स्कार को। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि जले हुए घर को तोड़ के गिराना, बस जलाने ही बोला गया था ना, तो पता नहीं क्या मिस किया मैंने भाई। कुछ होगा सामने ही जो कि मैं देख के अनदेखा कर दे रहा हूं, ऐसा कुछ है क्या? Best.
भाई मैं सच में नहीं चाह रहा कि इनको मारूं, मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से काम करके यहां से निकले, लेकिन नहीं, परेशान किए जा रहे हैं। मुझे इन इजीला वॉरियर्स पे कब और रोशनी पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई, कैसा कैसा मिशन दे रहा है यार, क्या चलाने के लिए बच गया है। कुछ तो सामने ही होगा, मैं जान रहा हूँ ऐसे मिशन में हमेशा ऐसा होता है कि सामने कुछ होगा जो अरे इन लोगों को मारता हूँ यार, दिमाग खराब किए जा रहे हैं। तो इनकी तो वाट लगा दिए, लेकिन अभी भी इनके कैंप में कुछ तो बचा है। क्या बचा है भाई, घास फूस सब में भी आग लगा दी थी, ये कुछ तो छोड़ा नहीं है मैंने। ये काद आती घास बची, इससे काम चलेगा? ये जो पुआल है या पता नहीं जो भी तेल लेने गया भाई, ये अभी तो नहीं थे जब मैं यहां से गया था, ये अपने आप रिस्पॉन हो रहे हैं क्या? मीटर भी नहीं बढ़ रहा इनको चलाने से कुछ मैंने। अरे कोई घर है, हो सकता है कि घर को जला के गिराना हो। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, मैप में ये जो येलो वाला मीटर बना हुआ है ना, इसमें पूरा चेक करते हैं, जो भी होगा इसी येलो मीटर के अंदर करना है। अरे मां कसम आग के सामने था ये वाला खेत। कोई नहीं चलो हो गया है। अच्छा पता है ये मिशन भले ही आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये मिशन भी छोटू ही सा था, वो तो मैंने टाइम लगा दिया ज्यादा खोजने में। तो आई थिंक ये रोशनी का शायद फाइनल मिशन होना चाहिए, तो अब पटारी को मारने का टाइम आ गया है, मजा आएगा। ये पटारी के लिए जितने सामान उठाओ ना भाई कम है। चलो चले गया मारने उसको, या कैंप एक बार चल के देख लें, कैंप चल के देख लेते हो, हो सकता है कि रोशनी का और कोई मिशन बाकी हो। अच्छा हो सकता है कि बटारी को मारने के बाद गेम में कुछ करने का मौका नहीं मिले, तो एक काम करते हैं ना, डा से भी बात कर ही लेते हैं। हाँ रोशनी का तो फाइनल मिशन था, उसका देखो अब मैप में नहीं बन रहा है, तो डा से बात करते हैं, उसके बाद जाएंगे बटारी को मारने। बाल या दान हाइवा उल बालार नू उल क्वांता Abal, Malchasar, Mubalasar, Kapalpur, Guardu Marti Bar, Takar, U, Da. ये डाम मुझे पसंद था, लेकिन धीरे धीरे तड़प तड़प के मर रहा है ये। Ooh, Schlau Draguash.
तो आप लोगों को याद है जब उल को मारा था तो उसने बोला था कि उत्तम वॉरियर्स ना जन्म ही लेते हैं एक बीमारी के साथ और यही बीमारी उनकी मौत का कारण बनती है और इसलिए वो लोग जिंदा नहीं रहते ज्यादा दिन। तो टकार जब डार्क के कैंप में आया तो इसने बोला कि मैं बहुत ही स्ट्रांग फाइटर हूँ और मुझसे ज्यादा स्ट्रांग सिर्फ और सिर्फ उल था, लेकिन तुमने उल को मार दिया यानी कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो नरम खून। तो टकार ने डार्क को फाइनली बोला कि मेरा खून नरम नहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और उल ने जो मरने से पहले बीमारी के बारे में बताया था जो सभी उत्तम वॉरियर्स की जान लेती है वही बीमारी डार्क को भी है और इसलिए डार्क इसको बताने लगे कि मेरे सर के अंदर जो गर्मी है ना वो मुझे तड़पा तड़पा के धीरे धीरे मार रही है। और टकार ने भी देखा कि वो बहुत ज्यादा खांस रहा है और डा ने बोला कि तुम एक काम करो कि एक बार में मुझे मौत दे दो। तो इसी वजह से टकार ने उसके सीने में खंजर घोप दिया ताकि उसकी एक बार में जान चली जाए और टकार ने उसकी आत्मा को बोला कि तुम आजाद हो जाओ, तुम्हारी आत्मा आजादी से घूमे। तो पता नहीं क्यों डा को मारने के बाद मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। तो चलो भाई सारे मिशंस कंप्लीट हो गए, अब जाके मारना है पटारी को। तैयार हो आप लोग? रिसोर्सेज मेरे पास कम है अभी भी, लेकिन जितने उतने उठाते और निकलते हैं। अच्छा यहाँ जो दिखे ना भर लो क्योंकि ये तो डेफिनेटली लास्ट मिशन है, तो जो दिखे भाई सब भरते जाओ और मैं वीडियो को बीच में कट भी करूंगा जब मैं आराम से जाऊंगा रिसोर्सेज उठाने। अभी नहीं, जब मुझे पता चल जाएगा कि अब बस फाइनल बॉस फाइट होने ही वाली है उससे ठीक पहले। तो अभी तो आई थिंक बटारी तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। अच्छा यहाँ से जाने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ कि टेंसे बाबा के कैंप को भी अपग्रेड कर देते हैं और इससे एक स्किल पॉइंट मिलेगा तो मैं अपना हेल्थ अपग्रेड भी ले लूंगा, दोनों काम एक साथ। तो टेंसे का घर मैंने फुली अपग्रेड कर दिया है, बहुत ज्यादा खुश हो गए ये। चलो अच्छा ही है, मैं भी खुश होने वाला हूँ क्योंकि 6 स्किल पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो ये इस गेम की मैक्सिमम हेल्थ, इससे ज्यादा हेल्थ इस गेम में नहीं मिल सकती। और एक ही स्किल पॉइंट बचा है, और कुछ लेने लायक है क्या? ये इजीला स्किल्स और मैं ले सकता था लेकिन मेरे पास स्किल पॉइंट नहीं है। तेल ले देंगे भाई, इतने में भी मार लेंगे बटारी को। तो इससे पहले हम लोग बटारी के पास जाके हमला करें क्राफ्टिंग करने के लिए। ओके ये सिर्फ बेकार बेकार चीज दे रहा है क्राफ्टिंग करने के लिए जिसका अभी कोई काम नहीं है। तो रोशानी के जिस किले पे हमने हमला किया था वहां डायरेक्ट फास्ट ट्रेवल करते हैं। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि टेंसे बाबा ने बोला था कि तुम्हें एक मैमथ की शक्ति चाहिए इस इजीला कैंप पे हमला करने के लिए। तो मैमथ को तो मैं बुला नहीं सकता इसलिए मुझे लग रहा है कि वहां पहुंचने से पहले ना एक मैमथ को खोजना होगा। तो अब बस ये देखना है ना कि यहाँ से हम लोग बटारी तक कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो वो ऑब्वियसली मिलेगी नहीं, पहले उसके भर भर के लोग आएंगे। यहाँ से कैसे जा सकते हैं? ओके ऊपर चढ़ने का दिख तो रहा है, अभी तो भाई ये लंबा चलेगा और बटारी के साथ बॉस फाइट भी मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 मिनट होने वाली है। पुल को मारने में जितनी हालत खराब हुई थी अगर उसकी आधी भी टफ हुई ना बटारी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं इसलिए और दिक्कत होगी पता है। मैं यहां से शॉर्टकट लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन यहां से भी नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा अच्छा यहां से झूल झूल के जाने का दे रहा है, बस आगे सही से लैंड करना है, ठीक है। एक काम करते हैं ना रस्सी की थोड़ी ऊपर चले जाते हैं ताकि डिटैच करे तो जमीन पे लैंड करे, बस ज्यादा आगे नहीं कूदना है। ये आगे उछल के मैं अगर रस्सी मारता हूं तो काम चलेगा क्या? ऐसे यहां से भी तो जा ही सकते हैं। नहीं इससे बढ़िया उल्टा भाई गुफा के अंदर घुसे उद्यम सैंक्टम स्टार्ट हो गया, लेकिन ये देख रहे हो बटारी तक जाने में हालत खराब हो रही है। ये गलत है, मैंने ग्रैपल के लिए पहले ही दबा दिया था। कोई नहीं जिंदा हूं मैं और आई थिंक पहुंच गए बटारी तक। क्योंकि मैमथ नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये क्या कर रहा है ब्लड फैंगू, किससे लड़ रहा है? यहां जा यहां जा। Oh!
बैंगू बहुत सही टाइम पे, ओहो बंदरों को मार के रखा है भेड़ियों को झुंड ने, बैंगू बहुत सही टाइम पे आ गया वरना मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जितना मीट मिले भाई अब जो मिल सके सब लेके रखना है। अच्छा ये मिशन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक एक मैमथ नहीं मिलेगा, तो अपने को मैमथ खोजना है जल्दी से जल्दी। ये अच्छी बात है कि मुझे मैमथ को ढूंढने जाना नहीं पड़ा। फैंगू तू एक काम कर, तू चला जा वरना तू चिल्ला के ना इसको भड़का देगा। देख लो फैंगू भी कम बदमाश नहीं, उसी के रास्ते से जा रहा है। मैमथ अगर भड़का ना बहुत मारेगा। तो ऐसा पता मैंने खा लिया है कि मैमथ मेरी महक नहीं सूंघ पाएगा और मैं इसके बगल में जाके बैठ सकता हूँ। तो इजिला के घर में घुस के एक एक को चुन चुन के मारा जाए, इस मैमथ से स्मैश करना इनका गेट और सबकी वाट लगा जाए। ये बात ना भाई, अब मेरे सारे जानवर एक साथ आ जाते ना तब और मजा आता पता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि मैमथ की हेल्थ भी नहीं बनी, यानी कि अनलिमिटेड हेल्थ है इसके पास। ओ जो बंदी बना हुआ वेंजा उससे बात करना है, ठीक है। तो भाई आधा एक घंटा टाइम लिया मैंने, वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा रिसोर्स आराम से कलेक्ट कर लिया है। तो जब बॉस फाइट स्टार्ट करेंगे तब तो तीर और भालू की कमी नहीं होगी, वो अलग बात है कि उससे फाइट करते टाइम कमी हो जाए तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ये बटारी ने एक अपना टेम्पल बनाया था, उसके बाहर वेंजा के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये उसी के अंदर होगी बटारी, अपने ही टेम्पल के अंदर, तो उससे फाइट होने वाली है। अच्छा ये बटारी के साथ फाइनल बॉस फाइट में ये वेंजा के लोग भी मदद करेंगे, तो मुझे लगता है कि इतने इतने जो वेंजा के लोगों को स्टार्टिंग से बचाया था वो लगता है कि अब फाइनली काम आने वाले हैं मेरे। 100 आदमियों को मैंने लगभग बचा ही लिया है, तो 100 के 100 आ जाएंगे तो मेरा काम तो आधा ज्यादा आसान हो ही जाएगा। नहीं जो सोचा था सब गलत सोचा था, ये लोग बस चार ही लोग हैं और ये लोग मुझे टेंपल के अंदर जाने में मदद करेंगे, और ये जो स्टैंडिंग स्टोन है इसको ये लोग गिरा देंगे ताकि टकार अंदर जा सके। और टकार ने कहा ना कि इन लोगों को मैं मास्क ऑफ क्राटी दिखाता हूँ ताकि ये लोग मुझसे घबराएं। तो लास्ट एपिसोड में जो मास्क ऑफ क्राटी चोरी किया था टकार ने, उसको अब यूज करने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले इजिला गार्ड से इन वेंजा के लोगों को बचाना होगा जब तक ये लोग पत्थर गिरा रहे हैं। तो जब तक वेंजा के लोग पत्थर गिरा के अंदर जाने के लिए मेरे लिए रास्ता क्रिएट नहीं कर देते, इनको बचा के रखना है। ओ भाई साहब वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया वरना मेरे ऊपर पत्थर गिराने वाले थे ये लोग। तो वेंजा के लोगों ने मेरा काम कर ही दिया, अब अंदर चलते हैं। ओहो मास्क ऑफ क्राटी पहन लिया, म्यूजिक सुन रहे हो कितना सॉलिड है। अच्छा ये इजिला के लोग मास्क ऑफ क्राटी को देख के डर डर के भाग रहे हैं, इनको मारने की भी जरूरत नहीं है, रास्ता तो इन्होंने मेरे लिए ऐसे ही खाली कर दिया है। सही है।
बताओ इतना डरते ये लोग मास्क ऑफ कराटी से? टकार शुरू ही से पहन के क्यों नहीं घूम रहा था जब से चोरी किया था? अच्छा ये सारे वॉरियर्स ये आम लोग नहीं है इजीला के, फिर भी देख रहे हो कैसे डर डर के भाग रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ना बहुत सारे बैग्स हैं, सबको सर्च भी करते हुए चलेंगे, जो सामान मिल सकता है उठा लेते हैं, क्योंकि बटारी के टेंपल को स्टॉर्म करने के बाद ऑब्वियसली उससे फाइट तो होगी। भाई पूरे गेम का सेटिस्फेक्शन मिल गया इस म्यूजिक के साथ और ये मोमेंट के साथ, सब डर डर के भाग रहे हैं। यही तो मेरी चाहत थी कि सारे दुश्मन बस देख के डर के भाग जाए, मजा ही आ गया। चलो फिर बटारी का काम खत्म किया जाए। इतनी बड़ी मनहूस है ना बटारी, मास्क तोड़ दिया मेरा और मार के ही भाग गई। कोई बात नहीं, मास्क की अब किसको जरूरत है, ये अकेले ही है ना, तो इसको मारना अब आसानी है। अच्छा ये उल भाग भाग के मेरे तरफ आ रहा था, ये बटारी कर क्या रही है वहां पर चुपचाप से खड़ी हुई अकेले अकेले, ऐसा क्या झोल कर रही है मेरे साथ? बस देख लिया ना, गेम कर दिया, बटारी ने ऐसे जगह पर है जहां पर मैं जा नहीं सकता। वाह वाह वाह, उछल के भी नहीं जा सकता। तो एक रास्ता है उल्लू से उसके ऊपर हथियार गिरवाऊं क्या? इतनी बदमाश भाई, अपने तक जाने का सारा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है। इसके ऊपर रुको, अभी बॉम्ब गिरवाता हूं। भाई ये बटारी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, मेरे उल्लू को मार के भगा दिया। कोई नहीं कोई नहीं, तो मुझे क्या लग रहा है पता है, ये जो सामने वाला स्टेज दिया है ना, इस पे खड़े होकर बटारी से फाइट करना है। तो अपने बीस्ट को बुला लेते हैं पहले और फाइट स्टार्ट करते हैं। ओहो आदमियों को भी बुला लिया, अजीब औरत है यार ये। रुक जाओ, पहले इन सब आदमियों का सन्नाटा करता हूं, उसके बाद बटारी का चटारी बनाता हूं। तुम मनुष्य आज कितना भी कोशिश कर लो, आज बटारी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, कहां छुप के बैठी हुई है। अच्छा, इनके पास एक शेर भी था जो कि आजाद कर दिया। वाह वाह वाह, तो ऐसा ही कि इसके सारे आदमियों को मार दिया है, अब इसका गेम बजा जाए। मतलब ये क्या है, ये चीटिंग है पूरी। मतलब 5 हेल्थ से 1 हेल्थ कर दी मेरी एक तीर में। ये देख के ओवर पावर्ड बना देते हैं भाई ये लोग। चलो कोई बात नहीं, मरना तो इसको फिर भी है। वो तो अच्छा हुआ है यहां पर मैं फुल हेल्थ करके आया था, वरना अगर 4 हेल्थ रहती तो उसके एक ही तीर में मैं मर जाता। इस पूरी फाइट में यही होने वाला है, इसका एक तीर मुझे पड़ा, मेरी हेल्थ 0। ऐसा है ना कि मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है, ब्लड फैंगो को बुलाया जाए, इसके बाकी दुश्मनों की हालत वही खराब करेगा। दोनों की दोनों बॉस फाइट मजेदार है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक है। ठीक है, एक बार में 0 हेल्थ कैसे हो सकती, इतना जो पूरा गेम में किया उसका कोई मतलब नहीं है। यानी
पर कुछ ही बोलो, ये जो एक तीर से मरने वाला खतरा है ना, इसकी वजह से और मजा आ रहा है इस बॉस फाइट में। एक तो ये इतना दूर से फाइट करी, अगर सामने से फाइट करती ना सारे बीस्ट को इसके ऊपर छोड़ देता, लेकिन इस फाइट में मेरे बीस्ट कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, बिगुल बजा के बटारी ने और आदमियों को बुला लिया, पहले उनको मारा जाए फिर उसको देखेंगे। ये शेर यहां पे क्यों घूम रहा है, इसके भी लोगों को मारेगा शेर? अच्छा अच्छा, यहां पे मुफ्त के तीर और भाले रखे हैं, उठा लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास कमी हो गई है। तो फायर प्रूफ वाला पत्ता फिर से खा लेते ताकि फायर से कम डैमेज हो, डैमेज तो होगा फिर भी लेकिन कम। तो अभी के लिए इसके आदमी खत्म हुए, अब बटारी के ऊपर हमला किया जाए, बस वो मेरे ऊपर हमला नहीं करे क्योंकि एक तीर मारती मुझे छुपना पड़ता है। जबरदस्ती का फैंगू बीच में आके मेरे ही भाले से मर गया, कोई बात नहीं जिंदा कर लूंगा, तू अभी रेस्ट कर। ये बटारी को मतलब सुपरमैन ही बना देते ना, इतनी ज्यादा पावरफुल कि एक एक अटैक में मुझे मतलब ऑलमोस्ट मार ही दे रही है हर बार। अच्छा पता है इसके आग वाले तीरों का डैमेज ना अलग ही लेवल का है, इसके ऐसा तीर चाहिए। ये मेरे ऊपर आग कैसे लग जा रहा है हर सेकंड? फायर प्रूफ वाला पत्ता खाया हुआ फिर भी इतना डैमेज हो रहा है, नहीं खाया होता तब क्या होता? एक तो ये बटारी खुद ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी 30-30, 40-40 आदमी को हर बार बुलाया जा रही है। अच्छा मैं अपने बॉम्ब्स और शार्ट्स ना जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूं, जब इसकी थोड़ी सी हेल्थ बच जाएगी तब एक बार में सब यूज कर देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया डकार, बहुत बढ़िया, बस इसके तीरों से बचते रहे। भैया अजीब बावली, फिर से आदमियों को बुला लिया, कोई काम धाम नहीं तेरे पास? तो फैंगू इन आदमियों के लिए तेरे को खास करके जिंदा किया है, जिंदा हो जाओ और सबकी बैंड बजा दे, मैं बटारी को देखता हूं। फैंगू को बुला लिया, उसके बाद भी इसके आदमी पगलाए जा रहे हैं, रुको बताता हूं इनको पहले। तो ऐसा है ना फैंगू कि इस बार भाले के बीच में मत आना, पीछे ही रहना और सेफ रहना। भाई ये क्या है, जोक बना के रख दिया, एक तीर मारती और इतनी सी हेल्थ छोड़ देती है। दो बैक टू बैक अटैक अगर मेरे ऊपर हो गए ना मैं मर जाऊंगा, पूरा मिशन फेल। अच्छा ऐसा है ना कि तीर भाले सब खत्म हो गए, लकड़ियां वकड़ियां लेकिन है यहां पर, तो उनसे बना सकता हूं मैं, वो भी चांस से लेने थोड़ी देगी बटारी। तीन भाले मेरे पास और 4-5 तीर है, चलो काफी है।
फैंगू तू एक काम कर, खा के जिंदा हो जा, ठीक है? फैंगू, अरे अभी पुचकारने का टाइम नहीं है टका, चल कांड करना है अभी। अगर देखा जाए तो बटारी की हेल्थ ना ही के बराबर बची है, पर उल्का याद है ना क्या हुआ था, उसकी पूरी हेल्थ खत्म हो गई थी, लेकिन उसको फिर भी बहुत देर मारना पड़ा था। तो ये भी कुछ ऐसा ड्रामा करेगी, देख लेना। तो मेरा फैंगू फिर से डाउन हो गया और बटारी ने अपने और लोगों को बुला लिया है। उल्लू से ना इसके ऊपर सामान गिरवाया जाए, पता है? ओहो, मुझे बस मारने ही वाले थे, इसलिए उल्लू को हटा दिया। तो जाने दो भाई, उल्लू का भी यूज नहीं करते, जो आदमी आए हुए पहले उनको मारते, उसके बाद फिर इसको देखा जाएगा। इसी का तो वेट कर रहा भाई, पटारी मेरे पास आ गई फाइनली। अब देखो इसकी वाट कैसे लगाता हूं। तो इसने मुझे भी मारने पे ला दिया, इसको मैंने भी मारने पे ला दिया। पहले कौन कांड करता है? भालू तू ज्यादा हमला करना उसके ऊपर, तेरी फुल हेल्थ है, तू मार देगा जाके। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं ही खत्म करूं, तो चल दोनों साथ में चलते हैं। अच्छा, मेरे पास ना ये बजर्क वाला बॉम्ब बचा हुआ है ना, दो बचा हुआ, इसके ऊपर फोड़ देता हूं भाई। भाई मजाक नहीं कर रहा, उल से ज्यादा परेशान किया था, लेकिन खत्म, फाइनल बॉस। तो टेंसन ने टकार से वादा लिया था कि जब बटारी को मारना है तो उसकी चीख सुनाई देनी चाहिए, तो उसने चीखा मरने से पहले। और बटारी मरने से पहले सूरज से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे पास आ जाओ और जला के राख कर दो इस वंजा के कीड़े मकोड़े को, लेकिन टकार ने उसको जला के उसका आतंक खत्म किया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है गेम में, क्योंकि सेलिब्रेशन बाकी है भाई साहब। चलो देखा जाए। तो इन वंजा का जो ब्रेसलेट होता है वही साइला ने लाकर इस रोशानी को भी दिया है, तो आई थिंक कि वो इसके ऊपर यकीन करने लगी है। और जब वो यकीन कर रही है तो टकार भी यकीन करेगा, और मैं भी यकीन करने ही लगा हूँ, क्योंकि इसने अभी तक पूरे गेम में धोखा नहीं दिया। और रोशानी ये कहना था कि टकार तुमने अब बटारी को मार दिया, इसलिए अब इजिला के लोग वंजा के लोगों से डरेंगे। और टकार ने इसको बोला कि देखो अब तुम आजाद हो, तो तुम चाहो तो इजिला के लोग यानी कि अपने लोगों के पास जा सकते हो। तो इसने सोच समझ के बोला कि नहीं, मैं वंजा के साथ रहूंगा और वंजा के लोगों की मैं मदद करूंगा। तो तुम बताओ टकार, मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ क्या? तो टकार ने कि जरूर रहो, क्योंकि तुमसे हमें बहुत कुछ सीखना है, और जो बीज मैंने चुराए उनको तुम खेतों में फसल में उगाने में मदद करो। तो रोशानी बोलने लगी कि मैं खेतों में काम करूंगा, मैं तो एक कमांडर था। तो टकार ने बोला कि हाँ, अब तुम कमांडर बनो, खेतों के कमांडर बनो और खेतों को कमांड करो, ठीक है? और अभी भी सेलिब्रेशन बाकी, और आई थिंक ये जो साइला का मिशन है उसमें जाएंगे तो सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी। तो चलो खत्म किया जाए इसको।
Uguam! Winja! Guarishama! Ula, Marva! Sushu, Dugi Starsha! Masi Dam Shabala! Nati Haika Guasta, Saira! Salwa Urus! Winja Nashman Waida! Takar! Nashman Dwayarsh! Shaja! Mas Guarbiti Guarish! Tibal Shayu! Winja Yoga! Takar! Guarbati! Takar! Guarbati! Ni Takar! Uhara! Nu! Tibrayash Swarsa Hakwa! ये बात तो भाई उरूस की जमीन पर अब वेंजा के लोगों का राज है। टकार ने उरूस की जमीन को कॉन्कर कर लिया है। तो साइला ने बोला कि उरूस की जमीन पे ना अब वेंजा का नाम हर कोई जानता है, चाहे वो किसी भी ट्राइब के हो, वो वेंजा का नाम जानते हैं और वो लोग डरते हैं टकार के नाम से, क्योंकि दो दो खतरनाक ग्रुप के लीडर्स को मारा है टकार ने, और इसलिए अब वेंजा के लोग चैन और सुकून से रह सकते हैं। और टेंसे बाबा ने बोला कि बीस मास्टर को हम लोग सबको थैंक यू बोलते हैं, और उन्होंने टकार को बोला कि तुम्हारी स्ट्रांग आत्मा की वजह से ना वेंजा एक बार फिर से यूनाइट हो गए जो लोग अलग हो गए थे। और साइला को टकार ने बोला कि साइला अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरा वेंजा गांव है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो इसको स्किप करते हैं और देखते हैं कि क्या बचा हुआ है। ये उनकी बेटी क्या कर रही है? अच्छा, ये उल की बेटी भी बीस्टों को कंट्रोल करने लगी है। वॉइस ऑफ, तो चलो उल भले ही मर गया लेकिन उसको ऊपर से अच्छा लग रहा होगा कि उसकी बेटी इतनी स्ट्रांग हो गई है और वेंजा के लोगों के साथ अच्छे से पल बढ़ रही है। तो फेल गेम फैमिली, एक और सीरीज का सफर यहाँ पे खत्म होता है। और फार क्राई प्राइमल के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम है। और भले ये गेम 2016 में आया है लेकिन लगा ही नहीं कि पुराना गेम है। नहीं तो एक सफर खत्म होता है तो नया सफर स्टार्ट होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में और भी एक्साइटमेंट के साथ और भी मस्ती के साथ। और बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए फेल आर्मी आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और अब सभी को जाने से पहले फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा इतने सपोर्ट दिखाने के लिए। चलिए मैं मिलूंगा न्यू सीरीज में। टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।